नई भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति पखवाड़े के कार्यक्रम में शहर के 5 नंबर स्थित तालाब पर सफाई अभियान में शामिल हुई। साध्वी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नेमावार हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पर लोगों को उकसाने के आरोप लगाए, साथ ही कहा कि अल्पसंख्यक सदे हुए हैं, उन्हें साधने की जरूरत नहीं। वह विधायक पीसी शर्मा के उन्हें ब्राह्मण विरोधी कहे जाने पर उन्होंने पीसी शर्मा को तालिबानी कह डाला। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो कहा वो बिल्कुल हमारे लिए शिरोधार्य है, मान्य है। इस विषय पर हम कुछ इसलिए नहीं कहेंगे कि अल्पसंख्यकों को साधने की आवश्यकता ही नहीं है, वो सदे सदाए है और आगे देश में जो भी कोई रहने वाला है, जो भी व्यक्ति रहता है हिंदुस्तान में, जो रहेगा वो हिंदू है। और जब आप बाहर जाते, विदेश में जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये कहा जाता है आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं। जैसे चीनी व्यक्ति को चीनी कहा जाता है, आप चीनी हैं। जापान के व्यक्ति को जापानी कहा जाता है, भारत के व्यक्ति को, हिंदुस्तान के व्यक्ति को हिंदू कहा जाता है। तो इसमें कोई अलग बात नहीं है। जो लोग ये सब काम करवाते हैं वो वहाँ रक्षा के लिए नहीं पहुँचते। वास्तव में देखा जाए तो जो अपराधी होते हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए लोग पहुँचते हैं। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के और रावण जैसे काम करे या धर्म विरोधी कार्य करे, गौ माता को अपमानित करे, धर्म को, सनातन धर्म को अपमानित करे और तालिबानी शिक्षा को या तालिबानी संकेतों को भोपाल में स्थापित करने का प्रयास करे, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। ब्रह्म कर्म करने वाला ब्राह्मण, और मैं सम्मान करती हूँ उसका, मैं कभी ब्राह्मण विरोधी हो ही नहीं सकती, मैं सन्यासी हूँ। तो ये तो अनर्गल प्रलाप है जो ये लोग करते रहते हैं, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। इसलिए पृथ्वी की जो प्रकृति है, पृथ्वी को पॉलिथीन मुक्त करने के लिए ये आज का अभियान चलाया। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे जम्मू कश्मीर के लिए पूरी तरह से समर्पित हुए, आज उनकी जयंती है। हम संपूर्ण राष्ट्र को उनकी जयंती पर बधाई देते हैं और आज ये संकल्प लिया है कि जो तालाब हैं उनमें जो पॉलीथीन रहती है उससे उनकी सफाई करेंगे और पॉलीथीन मुक्त जल हो, प्रदूषण मुक्त जल हो, प्रदूषण मुक्त प्रकृति हो, तभी भारत स्वतंत्र, भारत स्वच्छ रह पाएगा और हमारा भोपाल स्वच्छ रह पाएगा। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जो कहा वो बिल्कुल हमारे लिए शिरोधार्य है, मान्य है। इस विषय पर हम कुछ इसलिए नहीं कहेंगे कि अल्पसंख्यकों को साधने की आवश्यकता ही नहीं है, वो सदे सदाए है और आगे देश में जो भी कोई रहने वाला है, जो भी व्यक्ति रहता है हिंदुस्तान में, जो रहेगा।